नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आए पाप से बच गया तो भाई, हम फिर से जरूर आपके सामने एक नया वीडियो लेके। तो आज हम बात करेंगे माइनक्राफ्ट के बारे में। वैसे आज हम माइनक्राफ्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, तो आज हम बात करेंगे लॉस्ट माइनर के बारे में। काफ़ी अच्छा गेम है यार ये, तो मैं इसको आज प्ले करने वाला हूँ। तो भाई इसमें से ऐसा क्या है कि मैं इसको प्ले करने वाला हूँ आज, तो ये ना माइनक्राफ्ट के जैसा ही गेम है लॉस्ट माइनर। देखो इसमें कुछ इस तरह के ग्राफिक्स में मिलते हैं। वैसे माइनक्राफ्ट के टाइप का गेम है ये थोड़ा बहुत। देखो इसमें यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ से मैं सेटिंग यहाँ से जा सकता हूँ, स्क्रीन अपनी चेंज कर सकता हूँ जो मेरे को अच्छी लगे है। वैसे इकली यहाँ से देखो दो ही अभी तो दो ही अवेलेबल है, और बाकी बंदे यार क्या कर सकते हैं। यहाँ से इफेक्ट से सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं, यहाँ से इनेबल वाइब्रेशन इसको मैं नहीं रखता, ये क्या मतलब इसका ना। वैसे कंट्रोल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो, देखो यहाँ से दो तरह के कंट्रोल्स आपसे इसमें मिलते हैं, तो आप यहाँ छोटे बड़े इनको कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे दो ऑप्शन मिलते हैं इसमें। इंग्लिश ही हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो हमें इंग्लिश रखेंगे। इसके अलावा यहाँ से आप इसमें अचीवमेंट्स देख सकते हो, तो मेरे नेट से कनेक्ट है नहीं तो अभी ये नहीं होगा काम है ना। तो इसके अलावा देखो यहाँ से तीन ऑप्शन नीचे मिलते हैं, यहाँ से आपको उसमें देख सकते हो। अगर आप गूगल जो प्ले इसमें है, आप अगर डाउनलोड करते हो उसमें, तो आपको प्ले में अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आप देख सकते हो उसमें जाके ना। तो देखो यहाँ से सेलेक्ट वर्ल्ड कर सकते हो, यहाँ से मैंने एक वर्ल्ड पहले बना रखा है, मैंने इसमें थोड़ी देर प्ले भी किया था, तो यहाँ से मैं न्यू वर्ल्ड करूँगा। यहाँ से अपने वर्ल्ड का कोई भी आप इसमें नाम रख सकते हो, तो यहाँ से RR में रख देता हूँ। तो देखो RR रख दिया, यहाँ से भाई इसमें सीट भी सिलेक्ट करनी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वाले सीट मैंने सिलेक्ट कर लिए, फिर आपसे प्ले करना है और ये इसका वर्ल्ड है ना जनरेटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ इसमें किस तरह का हमें ग्राफिक्स मिलते हैं। और ये माइनक्राफ्ट के टाइप का गेम है, जितनी चीज़ें माइनक्राफ्ट में होती है वही इसमें होती है, लेकिन जो माइनक्राफ्ट में जैसा व्यू हमें मिलता है ना वैसा व्यू इसमें नहीं मिलता। तो मैं दिखाता हूँ इसमें व्यू किस तरह का मिलेगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई नहीं है। देखो यहाँ से सिखाते भी हैं शुरू में क्या होता है। डू यू सी द ट्यूटोरियल, भाई नो है ना, मेरे को नहीं करना, मैं बता सकता हूँ लोगों को। तो देखो यहाँ से इसमें अभी यहाँ से आगे जाता नहीं है, देखो यहाँ से ना आगे नहीं जाएगा ये। तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें ना मिशन हमें पूरे करने होते हैं, इसके बाद जाएगा। तो देखो भाई ये कुछ इस तरह का होता है इसमें ना, देखो भाई इसमें माइन भी आप कर सकते हो, तो इसमें सब कुछ करते हो, भाई लग गई है ना इसमें यार। सबसे प्रॉब्लम मेरे को लगी ना, उसके अलावा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें एक ही मेरे को प्रॉब्लम लगी इसमें ना, मरते जल्दी जाती है, मतलब इसमें मरते हैं ना वो जल्दी जल्दी मर जाते हैं। देखो इसमें तीन ही हार्ट हमें मिलते हैं। तो वैसे इसको प्ले किस तरह से करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो इसमें गाय है, मुर्गी है, जैसे ही माइनक्राफ्ट में होती है, देखो गाय है रही और मुर्गी है रही, मुर्गी दिख रही ना आप सभी को। तो ना इसमें देखो सब कुछ कंट्रोल से होता है इसमें ना, बाकी चीज़ों से कुछ नहीं होता। तो ना मैं दिखा देता हूँ, आप अगर इसमें ना पेड़ तोड़ना चाहते हो तो आप सभी को जो राइट साइड में देखो एक बार ए और बी आप सभी को ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको बी पर क्लिक करना है। और अरे भाई ये क्या हो गया, गलती से उस पर लग गई यार गाय पर ना। तो ऐसे बी पे आपको क्लिक करना है और इधर है ना आप ऊपर है ना इस पर क्लिक करना है, तो देखो इसमें पेड़ टूटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पास कुछ है नहीं ना तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है पेड़ टूटने में, आप सभी देख सकते हो इतना टाइम तो माइनक्राफ्ट में भी नहीं लगता भाई, इसमें जाता है इसमें लगता है। तो टेरियर गेम है, आपसे पता होगा, आपने प्ले भी किया होगा टेरियरिया, तो उसके जैसा गेम है ये। तो टेरियरिया में प्ले करने वाला था लेकिन यार उसमें ना हमें प्ले नहीं कर रहा, उसको भी बाद में प्ले करेंगे उसको। तो ये देखो इसमें पेड़ टूट गया, इसके बाद आपसे भी क्या कर सकते हो। तो उसके बाद देखो राइट साइड में आपसे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो फर्स्ट में आपसे क्लिक करके ना यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल खुलती है इसमें। तो इसमें क्राफ्टिंग टेबल आपसे बनाने आपसे को बनानी नहीं होती, इसमें शुरू में क्राफ्टिंग टेबल होती है यार। तो भाई देखो पानी के अंदर डूब गया, देखो इसमें ना देखो ये रहा, देखो जो शुगर कैन है ना ये रहा शुगर कैन, सब कुछ जो माइनक्राफ्ट में चीज़ें होती है ना मैं दिखाने वाला हूँ आपसे उसमें क्या क्या मिलता है। आप इसमें बेड बना सकते हो, देखो भाई ज़ोंबी, ये रहा ज़ोंबी, इसमें रात हो गई ना जैसे ज़ोंबी आना शुरू हो जाएंगे। तो एक अच्छी जगह ढूंढते वो ये अच्छी भाई। तो ना सबसे पहला ऑप्शन है ना इसमें क्लिक करके आपसे को यहाँ पे रखना होता है लकड़ी, तो देखो यहाँ पे लकड़ी रखना होता है। अब मैं देखो यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ से प्लैंक बनाना था, यहाँ से देखो आप है ना इसको प्लस से में से करके आप जितने चाहो उतने प्लैंक बना सकते हो। मैं चार बना लेता हूँ यहाँ से, बिल्कुल ईजी ज़्यादा वो नहीं है ना, देखो यहाँ से चार प्लैंक बन गई। और फिर आप इस वाले प्लैंक्स को फिर से यहाँ पे रखोगे ना यहाँ से आप स्टिक बना सकते हो, तो चार ही आप इसमें स्टिक बना लेता हूँ। जैसे आप स्टिक को इसमें रख देता हूँ तो यहाँ से देखो आपसे वो ऑप्शन मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से ना फिर से मैं थोड़े बहुत प्लैंक बनाता हूँ यार, क्या है प्लैंक की कमी हो रही है ना, तो इस तरह इसमें रखना होता है। अब देखो भाई इसमें ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है, आप इसको ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, और इसमें ना स्पिन का ऑप्शन भी मिलता है आप सभी को। यहाँ से देखो मैंने एक्स बना लिया वुड एक्स, इसके अलावा यहाँ से स्वाड आप बना सकते हो, इसके अलावा यहाँ से पी के एक्स आप इसमें बना सकते हो। अचीवमेंट्स देखो भाई, अचीवमेंट्स भी मिलती है, अचीवमेंट्स मिल चुकी है मेरे को। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ से आप रेसिपी देख सकते हो, देखो रेसिपी बुक जो क्राफ्टिंग है ना ये रेसिपी बुक है, देखो इसमें ये देखो
जो वुड प्लैंक्स है ना, इसके अलावा यहाँ से देखो स्टिक्स है, ओ देखो होए सब कुछ भाई, देखो उसमें टॉर्च सेरी, ओ फर्नेस, और ये देखो चेस्ट छोटी वाली, बड़ी वाली चेस्ट, यहाँ से डोर, और देखो यहाँ से वुडन प्लेटफॉर्म से ये, यहाँ से देखो विंडो भी इसमें अलग से विंडो मिलती है ना, तो देखो लैडर मिलता है इसमें, आ से देखो इसमें क्लॉथ स्टैंड मिलता है, फैंस ये क्या भाई जो है रेडर, तो काफ़ी चीज़ें देखो इसमें वुडन सपोर्टर, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती है, देखो इसमें लेदर चेस्ट प्लेट, और देखो ये देखो वूलियरी सब कुछ मिलता है, देखो भाई ये रहा बेड, ये रहा TNT सब कुछ, देखो ये रहा फिशिंग रूड, ये रहा सारी चीज़ें भाई, इसमें मज़ा आता है प्ले करने, मैंने थोड़ी देर प्ले भी किया था। तो अब देखो भाई ना, अब पेड़ कितनी जल्दी टूटेगा ना, इससे पेड़ कितनी जल्दी टूटेगा, तो तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जो राइट साइड में बी है ना, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो ऑप्शन है ना इसमें ऊपर वाला है ना, इस पर क्लिक करना है। अरे भाई इसको सिलेक्ट करने दो, देखो भाई कितनी जल्दी टूट रहा है, देखो कितनी जल्दी टूट गया, मस्ती है भाई इसमें। तो फिर से इसको तोड़ लेता हूँ मैं। अरे भाई रात होना शुरू हो चुकी है, और नीचे की तरफ आप माइन करना चाहते हो, मैं दिखाता हूँ सभी एक बार, वैसे मैं नीचे जाने वाला हूँ नहीं तो ज़ॉम्बी आ जाएंगे मेरे को मार देंगे। तो आप सबको बी पे क्लिक करना है और नीचे की तरफ क्लिक करना है, तो इसमें माइन करना शुरू हो जाता है। देखो भाई जैसे सारा खेल इसमें ऑप्शंस का है, ओ हे देखो नीचे चला गया भाई, देखो इसमें ना मेरे पास अभी टॉर्चेस है नहीं, तो क्या करूँ मैं, तो ऊपर की तरफ आप इसमें कुछ लगा सकते, लगा देता हूँ मैं। अरे भाई कुछ दिख नहीं रहा, इसको तोड़ने दो मेरे को ऊपर की तरफ, अभी तो ऊपर ही जाऊंगा मैं ना, आप सभी को कुछ दिखाना है मुझे ना, तो मेरे पास अभी टॉर्चेस नहीं है, तो मैं कुछ यहाँ पे लगाने चाहता था लेकिन टॉर्चेस है नहीं। वैसे मेरे को दिन में माइन करनी चाहिए थी यार, वैसे मैंने दिन में माइन की नहीं, तो यहाँ पे मैं रहता हूँ अभी के लिए। तो आपसे कुछ जब भी आप इसमें माइनिंग या फिर कुछ तोड़ना चाहते हो, आपको बी पे क्लिक करना है, आपसे देखो ये रहा बी, आपसे दिख रहा होगा राइट साइड में, और आप किसी भी ऑप्शन भी क्लिक करो, उसके बाद देखो इधर आप क्लिक करो इधर तोड़ना शुरू हो जाता है, इधर करो इधर तोड़ना शुरू हो जाता है। ये बस इसके लिए आप कुछ भी इसमें ना जैसे लगाना चाहते हो तो वो लगा भी सकते हो यार, वो किस तरह से लगता है मैं दिखाता हूँ एक सभी ने। तो आप सबको ना कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ से देखो यहाँ से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है उसमें, और आप सबको टैप करना है, देखो टैप करोगे ना जैसे कुछ इसमें लगना शुरू हो जाता है। मस्त गेम है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है इसमें, 15-20 MB का गेम है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ से आपको इसमें कॉइन्स मिलता है, लेवल ये अभी 1 चल रहा है मेरा, और इसमें यहाँ से देखो फूड बार और इसमें लाइफ बार साथ साथ दिखाते हैं, और यहाँ से देखो यहाँ से अचीवमेंट्स है, तो देखो मैंने यहाँ से जो जितनी मैंने अचीवमेंट्स यहाँ से क्लेक्ट कर लिए, काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलती है देखो इसमें, तो जल्दी जल्दी ऑफ होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से देखो इसमें ना ये अच्छी चीज़ है, आपसे ना इसको देखो यहाँ से इस तरह से करके देख सकते हो, तो आप जैसे इस वाले ऑप्शन को देखोगे ना, यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हो कि पास में क्या है और कितनी दूर है कुछ इस तरह से, लेकिन जैसे आप इसको बंद करोगे ना तो आप वहीं पे जाके रुक जाते हो। तो बेसिकली मस्त चीज़ है यार, मस्त गेम, मेरे को अच्छा लगा। इसकी रात होगी ना तो मैं इसमें थोड़ी देर वेट करता हूँ, फिर सुबह होगी ना तो फिर कुछ इसमें एक्स्ट्रा करेंगे। इसके लिए इसमें ना फन है, इसमें बना नहीं सकता अभी, इसके लिए मैं नीचे जाके माइन कर सकता हूँ इसमें ना, मेरे पास पिकैक्स है, जैसे आप पिकैक्स ले सकते हो, बिल्कुल ईजी है यार, इसमें कोई वो नहीं है, आप आसानी से इसके कंट्रोल्स को मैनेज कर सकते हो, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा इसमें बताया इसलिए रहा हूँ क्योंकि माइनक्राफ्ट की जैसा गेम है ये, तो मैंने सोचा यार बताया जाए। तो देखो नीचे पत्थर आ गए, मतलब स्टोन्स आ गए, तो मैं स्टोन भी तोड़ रहा हूँ अभी, बस का जो ना जो मस्त भाई वो क्या बोलते हैं आवाज़ है ना, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो इससे तो माइनक्राफ्ट की भी नहीं है ऐसी लगती, इसमें मज़ा आता है इसमें यार, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन इसमें मतलब एक ही ज़्यादा प्रॉब्लम वो लगी है ना, क्या वो इसमें मरते हैं ना, वो जल्दी से जल्दी मर जाते हैं यार, ये मेरे को चीज़ अच्छी लगी। अगर आपको हमें ज़ोंबी भी इसमें आसानी से आप मार नहीं सकते, ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, और मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, आप प्ले करोगे तो आपको क्या पता अच्छी लग जाए। तो ऐसे ज़ोंबी मेरे को दिख नहीं रहे, वैसे यहाँ पे आसपास होने चाहिए, और भाई खरगोश देखो रैबिट, तो देखो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा अलग सी यहाँ पे कुछ आ गया है, तो अरे भाई भाई देखो पूरा नीचे आ गया मैं, तो अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ, मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं। देखो भाई यहाँ पे कुछ था ज़ोंबी, पता नहीं क्या था, उसने मेरे को मार दिया, और यहाँ पे दिन फिर से हो गया, जैसे आगे नहीं जा सकते आप, जब आपका लेवल पूरा होगा ना तब आप यहाँ से आगे जा सकते हो। लेवल पूरा कैसे होगा, अगर आप कुछ इसमें अचीवमेंट्स ऑन करते हो, कुछ चीज़ें अन करते हो, फिर इसमें लेवल्स बढ़ता है यार उससे ना, तो आप इसमें सब अन कर सकते हो। और भाई देखो अंडा, मुर्गी का अंडा, सब कुछ है इसमें यार, माइनक्राफ्ट की जैसा गेम है, बिल्कुल माइनक्राफ्ट की जैसा है, टेरियर है ना उसके जैसा गेम है यार ये,
स्क्रीम टेरियर अच्छा गेम है, मैंने उसको भी उसको प्ले किया था पहले। तो भाई इसमें ना ऊपर जाऊंगा मैं, तो ऐसे कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ऊपर जा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा। लेकिन इसमें माइनक्राफ्ट जैसा व्यू नहीं है, इसमें बिल्कुल सीधा व्यू है माइनक्राफ्ट में, आप चारों तरफ देख सकते हो 360 डिग्री इसमें व्यू मिलता है आपसे, इसमें नहीं मिलता है, इसमें सिर्फ आप सभी आगे भी जा सकते हो और कहीं भी नहीं जा सकते। तो यहीं पे था अभी मैं, पता नहीं इसमें कुछ मेरे को और कोई मिल गया। देखो यहाँ से नीचे भाई वो है, वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो यार क्या वो ना स्केलेटन, स्केलेटन है भाई यहाँ पे ना, स्केलेटन है। देखो तो ऐसे कुछ जोड़ जोड़ के मैं आगे जाता हूँ मैं, तो देखो भाई इसमें ना कुछ ऐड करके मैं आगे जाना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से आप इसमें आगे जा सकते हो। तो भाई ये यही है, आप इसको प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा गेम है। तो भाई यही है, मैं इसमें कुछ बताना चाहता था, और मैं ना जल्दी इसकी भी सीरीज़ एक लेके आने वाला हूँ। तो ये देखो जोम्बी भाई, ये जोम्बी है, तो आप उसको प्ले कर सकते हो, उसका नाम लॉस्ट माइनर है, तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज मैं इसको बस बताना चाहता था, जल्दी इसकी सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।